हेलो दोस्तों, मेरे सामने खड़ी हुई है भाई रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जिसका टॉप वेरिएंट आता है गाइज, इसका कलर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इसको बोलेंगे हंटर 350 मेट्रो रेवेल, भाई रेवेल करके इसको बोला जाता है। हंटर 350 है। अब गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, 350 cc का इंजन आता है इसके अंदर। मेरे पास में अभी भाई ब्लैक कलर और सिल्वर कलर में अवेलेबल है, और बीच में भाई जो येलो कलर दिया हुआ है ना, वो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का येलो कलर, वो चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है भाई। इसका फ्रंट लुक देखो आपको कितना प्यारा लगेगा। ये देखो इसका ये है फ्रंट लुक भाई, अच्छा दिया हुआ है। गाड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई खड़ी हुई है हमारे सामने, न्यू उठ के आई है अभी जस्ट, मेरा फ्रेंड लेके आया है गाड़ी का। सबसे पहले तो आप ये देखो, इस तरीके से चाबी आती है दो, ठीक है, जिस पर रॉयल एनफील्ड लिखा रहेगा। यहाँ से ऑन करेंगे अपन इसे, मीटर के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, गियर का वो मिल जाएगा ऑप्शन, नीचे आपको ट्रिप मिल जाएगी और पूरा किलोमीटर मिल जाएगा कितना क्या चलती है। 160 की स्पीडोमीटर है और भी कुछ भी नहीं है, बैटरी का शान दिखाएगा और ABS सिस्टम है पूरा का पूरा। इसके अंदर आपको 349.3 cc का इंजन मिल जाएगा, जो कि मैक्स पावर निकालेगा 20.2 BHP की, जो कि जाती है अपना 6100 RPM। इसके बाद में जो मैक्स टॉर निकालता है ये भाई, वो मैक्स टॉर निकालेगा 27 Nm, जो कि जाता है अपना 4000 RPM। 5 स्पीड आपको गियर मिल जाते हैं 5 आगे के लिए, 35 किलोमीटर की माइलेज है। दोनों ही इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे आगे और पीछे, ठीक है। 181 किलो की ये पूरी गाड़ी है, गाड़ी का वजन 181 kg। डबल डाउन ट्यून फ्रेम भी है इसके अंदर, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है E20 पेट्रोल सपोर्ट के साथ में। अगर मैं सीट की बात करूं इसकी हाइट की, तो आपको सीट हाइट मिलने वाली है 800 mm। उसके बाद में गाड़ी की ओवरऑल लंबाई मिलने वाली है 2055 mm, 2055 mm की चौड़ाई जो मिलती है गाड़ी की वो है 800 mm की, और जो ओवरऑल हाइट मिलती है नीचे से ऊपर तक वो मिलेगी आपको 1055 mm की। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपको मिलेगा 1370 mm का। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको 170 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसके बाद में इसकी जो सर्विसिंग आती है, पहली सर्विस होगी 500 किलोमीटर पे, दूसरी 5000 पे, और तीसरी 10000 पे, फिर 15 पे, ऐसे करके इसकी सर्विसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी की। ये प्रॉपर गाड़ी की सर्विसिंग होगी गाइस। इसके बाद में आते हैं फ्रंट में, फ्रंट में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है देखने के लिए, उसके ऊपर भी लिखा है R, यानी कि रॉयल एनफील्ड। सिंपल वाले आपको इसके अंदर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। मीटर भी आपको बिल्कुल डिजिटल और एनालॉग दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ आएंगे साइड में तो यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करने का बटन है, और यहाँ से इंडिकेटर है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, और ये हमारा ब्रेक आ जाएगा। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पर मिल जाता है भाई हेडलाइट का बटन, और दोनों साइड इंडिकेटर हैं इसके, और एक हॉर्न, दोनों साइड इंडिकेटर हैं किसका? अच्छा, वो वाला सिस्टम है इसके अंदर। हंटर 350, इसकी जो ऑन रोड कीमत आने वाली है गाइस, वो आपको पढ़ने वाली है, ऑन रोड प्राइस इन हंटर 350। ग्वालियर के अंदर आपको जो ऑन रोड जो प्राइस पढ़ने वाली है वो पड़ेगी आपको 2,20,093 रुपये इन ग्वालियर। अभी यहाँ पर देखो टायर पे अभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड यहाँ पर, और येलो कलर का साइन मिलता है। जो इसके अंदर जो टायर है वो सीएट का टायर डला हुआ है, 110/70 17 इंचेस का टायर आपको अगला वाला मिलेगा, 17 ही आपको बैक वाला मिल जाता है दोनों टायर। हॉर्न का साउंड आप सुनो एक बार गाड़ी का। अब गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। न्यूटन ये देखो गाइज, एयर कूल्ड इंजन 350 सीसी का, साउंड सुनो आपके कमाल का दिया है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑयल भी दिया हुआ है जो बैक के लिए दिया रहता है। ये साइलेंसर लगा हुआ गाड़ी के अंदर, एक प्यारी सी छोटी सी गाड़ी है। अब जरा इसका एक बार अपना साउंड टेस्ट करो गाइज,
2 लाख रुपए में यार, और क्या चाहिए आपको यार, इतनी प्यारी गाड़ी मिल रही है। पीछे वाला टायर है 140 70 70 इंचेस का भी पीछे वाला टायर मिल जाता है आपको। पूरी प्रॉपर गाड़ी इस तरीके से है गाइस। गाड़ी को बंद कर देते हैं। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।